हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषाज क्यूजीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजमा और जीरा राइस की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप राजमा, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। तो सबसे पहले इसे बॉईल करने के लिए कुकर में डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने पील ऑफ कर लिया है, और 1 टीस्पून नमक। अब इसे 4 से 5 विसल आने तक पका लेंगे। तो मैंने इसकी 5 विसल लगा ली है और कुकर भी ठंडा हो गया है। अब आलू को बाहर निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि राजमा भी अच्छे से कुक हो गया है। तो अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने लिया है कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता और 1 टीस्पून जीरा। जीरा स्प्लिटर होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज। अब प्याज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी अच्छे से पका लेंगे। तो पेस्ट अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। इसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 हरी मिर्च को साथ में पीस के ले लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक डाला है और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जिससे राजमा और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। तो अब ग्रेवी का ऑयल रिलीज होने तक इसे ढककर पकाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ग्रेवी ने ऑयल रिलीज कर दिया है और सारे मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। तो हमने जो आलू बॉईल करके रखे थे उसे मैश कर लेंगे और ये मैश किए हुए आलू को ग्रेवी में डाल देंगे और 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मैं इसमें आलू मैश करके इसीलिए डाल रही हूँ जिससे ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक बनती है और टेस्टी बनती है। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये सब्जी का सारा टेस्ट मसाले की भुनाई पर है, तो ग्रेवी को अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें डाल देंगे बॉइल्ड राजमा, इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे। ग्रेवी आपको जितनी गाढ़ी या पतली रखना है आप उसके हिसाब से इसमें पानी डालें। अब इसमें अच्छे से बॉईल आने तक इसे ढककर पकाएंगे। तो अब इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है और अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। तो हमारी टेस्टी राजमा की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखने में अभी थोड़ी पतली लग रही है, पर जैसे ये थोड़ी ठंडी होगी ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब बनाएंगे जीरा राइस। इसके लिए पतीले में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता और 3 से 4 लौंग। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप चावल, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्रेन आउट कर लिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 कप पानी, यानी मैंने जितना चावल लिया था उसका डबल पानी। पानी आपको चावल की क्वालिटी के हिसाब से कम ज़्यादा लग सकता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे। बीच बीच में इसे 1-2 बार चला लेंगे और पानी सूखते तक इसे लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं जीरा राइस भी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब गर्मा गर्म जीरा राइस और राजमा को सर्व कर लेते हैं। तो देखने में लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट वाले लजीज राजमा राइस। ये देखने में जितने शानदार दिख रहे हैं,
खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करने के बाद आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसीलिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मुझे सपोर्ट करने के लिए उषा क्यूजीन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।